प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है और आपने इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल, सबसे जीनियस आज आप इसको पढ़ने जा रहे हो। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं आपको सरल शब्दों में कुछ ही समय में पढ़ा दूंगा। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाना दो तरह का होता है। एक तो होता है थ्योरेटिकल, आप सैद्धांतिक रूप से पढ़ो कि भाई एक नाउन क्या है, इसके कितने टाइप है, आप नाउन के अंदर घूम जाओगे, है ना। लेकिन लास्ट में निष्कर्ष किस बात पे है कि ये नाउन जो है वो सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कुल मिला के कैसे दिखता है। तो आज जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको हम थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ेंगे, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रिपोजिशन, इंटरजेक्शन को सेंटेंस में देखेंगे कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक बहुत ही रेयर वीडियो, रेयर क्लास आप लेने जा रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अभी नाउन होता क्या है, तो थ्योरेटिकल बात मैं कम करूंगा। हो सकता है कि आप जानते होंगे, नाउन मतलब नाम, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, एक नाउन होता है। अब देखना यह है कि सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो सेंटेंस में, वाक्य में ये सात तरह से दिख सकता है, सात तरह से यूज होता है, इसके सात फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहला है रमेश इज लाफिंग, रमेश हंस रहा है। एक सेंटेंस हमारे सामने आया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, रमेश। तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। दूसरा, माय फ्रेंड। अब देखो, माय फ्रेंड कॉमा रोहित। अब मेरा दोस्त, उसका नाम है रोहित, इसे हम कहते हैं अपोजिशन करना, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा वर्ड उसके पास में ही लिख देना, अपोजिशन करना कहलाता है। तो मेरा दोस्त जिसका नाम रोहित है, प्लेज विद मी, मेरे साथ खेलता है। तो यहाँ पर अब देखो, वैसे तो जो फ्रेंड है ये भी नाउन है, लेकिन रोहित भी नाउन है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड के लिए हमने जो दूसरा वर्ड यूज किया, ठीक है, उसको रिनेम किया जिस शब्द से, वो रोहित है। तो रोहित यहां पर अपोजिशन के रूप में यूज हुआ, यानी किसी नाउन को दूसरे नाउन के पास रखना अपोजिशन कहलाता है। तो ये भी इसका एक यूज है, और इस तरह से हम इसको देखते हैं। तीसरा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे क्या खेल रहे हैं, क्या मैंने इस पर लगाया ना क्रिकेट, सॉरी, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हाँ, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमारा नाउन सबसे पहला सब्जेक्ट के रूप में दिखता है, दूसरा एक अपोजिशन के रूप में, तीसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो कि क्रिकेट है। अगला है रानी गेव कमल अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, रानी ने कमल को एक सुंदर गिफ्ट दिया। तो देखो, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, जो क्या और किसी से पूछने पर मिलता है, लेकिन कई बार रानी ने दिया किसे, कमल को, क्या ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो क्या के जवाब में जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और उससे पहले जो आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो किसे के अर्थ में बोले। तो यहां पर जो कमल है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अब यहां पर ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो देखो, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए, सब्जेक्ट को जिस शब्द से रिनेम किया जाए, वो कंप्लीमेंट कहलाता है। तो वह एक टीचर है, तो टीचर वर्ड क्या है, नाउन है, ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। दे इलेक्टेड मोहन द सरपंच, उन्होंने मोहन को सरपंच चुना। अब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, दे इलेक्टेड मोहन, उन्होंने मोहन को चुना, किसे चुना, मोहन को। अब मोहन क्या है, मोहन सरपंच है, तो मोहन को हमने रिनेम किया, यानी इस सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट उसको रिनेम किया सरपंच से। अब सरपंच भी अपने आप एक नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का ये कंप्लीमेंट है, यानी उसका पूरा का दूसरा नाम है। और लास्ट है द कैट इज ऑन द टेबल, ये बहुत फेमस यूज है, बिल्ली मेज पर है। अब टेबल क्या है, नाउन। अब ये जो नाउन है ना, ये इस ऑन प्रपोजिशन का, ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जैसे इन द रूम, अब रूम क्या है, नाउन, तो इन क्या है, प्रपोजिशन है। तो ध्यान रखना, जो भी हमारे प्रपोजिशन होते हैं ना, उनके जस्ट बाद बहुत बार नाउन आते हैं और वो उसके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, इन द रूम, जैसे इन टू द रिवर, नदी के अंदर, तो रिवर क्या है, नाउन है, तो इन टू, ठीक है।
अब आपको लग रहा होगा कि बात नाउन की चल रही है, सर ने ये अपोजिशन सब्जेक्ट क्या 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 कर दिया। जो यही मेरा माइंड है, मैं हमेशा कुछ यूनिक करता हूँ, मैं चीजों को कुछ अलग तरह से करता हूँ। देखो एक थ्योरेटिकल पढ़ाना क्या होता है कि नाउन, नाउन क्या है, किसी का नाम होता है, ये पांच तरह का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है, फिर उनको मैं आपको बताता। लेकिन लास्ट में वो जितने भी पांच प्रकार के नाउन हैं वो कहाँ टपकते, दिखते कहाँ, एक सेंटेंस में। तो ध्यान रखना मैं हमेशा सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करता हूँ, यही मेरा नेचर है, क्योंकि सेंटेंस ही, अगर आप सेंटेंस सीखे इंग्लिश सीखे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला है आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो फटाफट से आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो ये वाले यूज है इनके, ये कुल सात तरह से यूज होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगला है प्रोनाउन। हाँ, किसी भाई को अगर ये लग रहा हो कि सर बहुत शॉर्ट चल रहा है, सर मज़ा आ रहा है, सर काश आप नाउन को भी थोड़ा डिटेल कर देते, तो हाँ ये भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हाँ यहाँ पे भी है, यूट्यूब पर भी वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको खंगालने पड़ेंगे। और अगर आपको हमारी ग्रामर पसंद है और ऐसा लगता है कि सर सिखा सकते हैं या सर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है लेकिन आपको डिटेल में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको दो तीन कोर्स दिखेंगे। एक है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे, उसमें हमने सिस्टमिक तरीके से इंग्लिश लिखना सिखाया है, लिखने के लिए जरूरी ग्रामर भी करवाई है। दूसरा है ये वाला कोर्स, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस, इसमें सारी इंग्लिश ग्रामर को हमने सीक्वेंस में करवाया है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है तो थोड़ी सी फीस है, यानी थोड़ा सा पेमेंट करके आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं करना, बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, ऑलरेडी हैं, आगे भी आते रहेंगे, बस आप सीखिए, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। तो चलो अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सबको पता होगा कि ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पे काम में आए प्रोनाउन सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए वैसे तो ये कुल 11 तरह के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टॉप टॉप फेमस सात यूज लिए हैं जो ज्यादा काम में आते हैं। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिंपल सी बात है, नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। आपको पता होगा हरी इज गोइंग, हरी जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो हरी क्या है, नाउन, ही क्या है, प्रोनाउन। तो ध्यान रखना नाउन प्रोनाउन मोस्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, मोस्ट ऑफ क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही बनते हैं। पर एक बार बताओ, जो चीज नाउन के स्थान पर काम में आ रही है तो वो प्रोनाउन हुआ, अब नाउन जो काम करेगा वही काम प्रोनाउन भी करेगा। जैसे देखो पहला है, ये सात तरह से यूज होता है, सात यूज बताए मैंने, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में आप प्रोनाउन को देख रहे हो। अब प्रोनाउन 11 तरह के, तो सबसे फेमस कौन से हैं जिनको ज्यादातर लोग जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है और मोस्ट ऑफ हमारे सेंटेंस में यही दिखते हैं और यही सबसे ज्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे आई कॉल्ड हर, मैंने उसको कॉल किया, उसको बुलाया, किसे बुलाया, अब किसे के उत्तर में जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन होता है, एक तो मैं कहता आई कॉल रमेश, मैंने रमेश को बुलाया, तो रमेश कौन है, नाउन है, लेकिन आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रानी गेव मी अ बुक, रानी ने मुझे एक बुक दी थी, तो रानी ने क्या दी, क्या के जवाब में है, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसे दी, मुझे दी, किसे के जवाब में, अगर दोनों हो तो किसे के जवाब में जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन कैसे हो सकता था, रानी गेव रमेश ए बुक, रानी ने रमेश को एक बुक दी, तो फिर रमेश क्या होता है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नाउन है। अगला है दिस वॉच इज माइन, ये घड़ी मेरी है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ध्यान रखना पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं जो अधिकार दिखाते हैं, कोई चीज किसकी है, जैसे देखो आई का क्या है, माइन, आई माई मी माइन, मेरा। जैसे वी अवरस, वी अवर अस, अवर्स हमारा, जैसे योर्स तुम्हारा, हिज का वो ही का हिज ही है, हिज उसका ऑब्जेक्टिव भी है और पजेसिव भी है, जैसे देयर का दे का देयर्स है, इसी तरह से। तो ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, दिस वॉच इज योर्स, ये घड़ी तुम्हारी है, दिस वॉच इज अवर्स, ये घड़ी हमारी है। अब देखो थोड़ा अंतर है, जैसे इसमें तो ये है, अब माई है ना, जैसे माई वॉच ऐसे लिखा होता तो आप कहोगे माई भी तो प्रोनाउन है, लेकिन नहीं, ये एडजेक्टिव है, ये संबंध, ये मतलब पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर आपको संबंध दिखाना है, पजेशन दिखाना है, तो उसके लिए आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हो। ये थोड़ी गहरी ग्रामर है, उधर मत जाओ आप तो ये समझो कि आप देख रहे हो प्रोनाउन को सेंटेंस में देख रहे हो। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये क्या है, ये डेमोस्ट्रेटिव है। आई सॉ माईसेल्फ, मैंने मुझको देखा इन द मिरर, दर्पण में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ही होता है, जैसे सी सा हर सेल्फ होता, इस तरह से। एक एम्फेटिक भी होता है जो कि सेम ही होते हैं, हम किसी पे जोर दें, जैसे आई डिड माई सेल्फ इट,
आई डिड इट माई सेल्फ, खुद मैंने ये किया, वो एम्फेटिक होता है लेकिन उसका यूज थोड़ा कम होता है। रिफ्लेक्सिव कभी कभार सेंटेंस में देखने को मिल जाता है। दिस इज अ कार, यह एक कार है, ये डेमोस्ट्रेटिव है, यानी हम किसी को प्रदर्शन करें, इशारा करके बताएं, तो ये चार ही हैं, दिस दैट दीज दोज। अब एक अजीब सी बात हो रहा है, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है, वो अलग बात है, छोड़ो। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ, हु इज अ फेमस डॉक्टर, जो एक फेमस डॉक्टर है, तो यहाँ पे हु हुज हुम विच दैट, हु हुज हुम विच दैट, ये पांच के पांच रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमेशा क्लोजेज को कनेक्ट करने के काम आते हैं। ये एडजेक्टिव क्लोज के, एडजेक्टिव क्लोज के रूप को बनाने में यूज होते हैं। हु का मतलब जो या जिसने, हु जिसका जिसकी, हुम जिसे जिसको, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, पांच ही है, ठीक है। तो ये आपने प्रोनाउन को देखा सेंटेंस में यूज होते हुए, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्लास है। अगला देखो, वर्ब क्रिया। अब जो क्रिया होती है वो टाइम एंड एक्शन दिखाती है, मतलब टाइम कैसे, या तो ये जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो समय बताएगी, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है और एक्शन काम को तो बताती है। अब चलो, वर्ब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यार, सही बताऊं, जो मैंने कोर्स का जिक्र किया था ना, कम से कम 6-7 क्लास में पूरा हुआ है, हर क्लास 40-40 मिनट की है। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ना, तो एक नाउन ही कई क्लास में पूरा हो, प्रोनाउन ही कई क्लास में पूरा हो, तो आप जो वीडियो देख रहे हो, आप जो क्लास ले रहे हो ना, ये बहुत सारी क्लासों का निष्कर्ष है। निष्कर्ष किस बात पर आएगा, सेंटेंस कैसा दिखता है भाई, तो सेंटेंस में देख रहे हो आप चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ा रहा हूं। तो ये पांच तरह से यूज होती है, पांच तरह सेंटेंस में देख सकते हो। राहुल इज रीडिंग ए बुक, राहुल एक बुक पढ़ रहा है, तो इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना। सी विल कुक फूड, वह भोजन पकाएगी। अब इस सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है, कुक क्या है, मेन वर्ब है, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो देखो, राहुल एक बुक पढ़ रहा है, तो है ने क्या बताया, टाइम बताया, तो जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो टाइम बताते हैं। और सी विल कुक फूड, वह भोजन पकाएगी। अब पकाएगी फ्यूचर को कौन बता रहा है, विल, लेकिन काम क्या है, पकाना, तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमेशा एक्शन बताती है, काम बताती है। अगला क्या है, यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जो मूड को बताती है। एडवाइस, सजेशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट, इन भावों को, इन सेंसेज को जो वर्ब दिखाए वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। इनके साथ खास बात, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड सभी मॉडल है, तो ये मूड को बताने वाले वर्ब का काम कर रही है। कमल इज माय फ्रेंड, कमल मेरा दोस्त है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब बोले तो जो लिंक करे सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से, सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट एक कंप्लीमेंट होता है, यानी ये सिंपल सेंटेंस में होता है, आई एम ए टीचर, यू आर ए चीटर, यू आर ए थीफ, कमल इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी सैड, मतलब इस तरह के सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उनमें कर्ता के बारे में कुछ बताया जाए, तो जो बताया जाए वो कंप्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ने वाले जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ये फेमस पांच ही है, इज एम आर वाज वर्ब, ज्यादातर कुछ और हो सकती है लेकिन मैन ये पांच ही जो लिंक करती है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से। इसके बाद स्टेटिव वर्ब भी होती है, जो स्टेट को दिखाती है, अवस्था को दिखाती है। सी लुक्स प्रेटी, वह सुंदर दिखती है। सी सैड, वह दुखी है, यानी कि स्टेट को बताए, एक अवस्था को बताए। जैसे दिस मिल्क टेस्ट स्वीट, ये मीठा है, है ना, तो उसका टेस्ट बताना, लुक बताना, ही लुक्स हैंडसम, इस तरह से बताना, तो ये स्टेट को एक स्थिति को बता रही है। तो लुक्स क्या है यहाँ पे, एक स्टेटिव वर्ब है। इन सब पे वीडियो बने पड़े हैं, फिलहाल मेरा एक यूज था कि फटाफट से शॉर्ट एंड स्वीट आप वर्ब को यूज के साथ देख लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला है एडजेक्टिव विशेषण। अब जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने का काम करते हैं। ये दो तरह से यूज होते हैं, दो तरह से दिखते हैं। रमेश इज ए रिच मैन, रमेश एक अमीर आदमी है, है ना, तो मैन किसी ये नाउन से पहले आते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो क्वालिटी, अब ये दो तरह के हैं, क्वालिटी विशेषता बताने वाले, रंग रूप आकार, कोई रंग में कैसा है, काला है, गोरा है, रूप सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, गरीब है, अमीर है, लंबा है, छोटा है, तो ये विशेषता को बताए। तो विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं, दूसरे होते हैं डिटरमिनर, जो चीज़ों को फिक्स करते हैं, उनकी मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। तो रमेश इज ए रिच मैन, रमेश एक अमीर आदमी है, क्वालिटी को बता रहा है, रमेश की क्वालिटी कैसी है, रिच है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, होशियार है। तो बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब, सुंदर, बेकार, ये सब क्या है, क्वालिटी बताने वाले एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। और दूसरे होते हैं डिटरमिनर।
अब डिटरमिनर भी 8-10 तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता दिए, देयर इज सम वाटर इन द जग, जग में कुछ दूध है, क्या मात्रा बताई, कुछ दूध है, ठीक है। तो यहाँ पे सम क्या है, एक डिटरमिनर है जो कि ये इस नाउन से पहले आया और उसको फिक्स किया, पानी कितना है। अब मैं कहूँ देयर इज वाटर इन द जग, जग में पानी, अरे पानी कितना है, सम थोड़ा है, मच वाटर ज़्यादा पानी है। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे, आज कुछ ही स्टूडेंट्स उपस्थित हैं। तो स्टूडेंट्स जो नाउन से उनको फिक्स किया कि वो कुछ है, ए फ्यू कुछ है, अगर फ्यू होता तो ना के बराबर, मतलब नेगेटिव सेंस में चला जाता, एक आदि है, 100 बच्चों में से एक आदि है तो वो नेगेटिव है फ्यू, और द फ्यू होता तो विशेष अर्थ में चला जाता कि जो है वो सब फेल हो गए, भाग गए, क्या हुआ, ठीक है, या हल्ला कर रहे हैं। तो ये डिटरमिनर है जो फिक्स करते हैं चीज़ों को, नाउन को फिक्स करते हैं। आई सॉ अ डॉग ऑन द रोड, मैंने सड़क पे एक कुत्ता देखा, पेंदा है ना, ए बॉय ए गर्ल, बहुत बार देखा होगा, ये भी डिटरमिनर ही है। डिटरमिनर में एक क्वालिटी आती है, एक उसका एक टाइप आता है आर्टिकल, आर्टिकल तीन है अंदा, ये भी डिटरमिनर ही है। ये चीज़ों को फिक्स करते हैं कि कुत्ता, कोई एक कुत्ता, आई सॉ द डॉग, अगर द लगा दूँ तो फिर वो खास विशेष कुत्ता है, जाना पहचाना कुत्ता है। लेकिन पहली बार जब कोई चीज़ है, एक वचन चीज़ हो, उसकी एंट्री हो हमारे सामने, तो हमारे लिए इंडिफिनेट है, अनिश्चित है, तो हम ए अथवा एन लगाएंगे। अब ए और एन तो छोटी सी बात है, अगर वो वोवल स्वर से शुरू हो रहा है तो एन लगा दो, अगर स्वर से शुरू नहीं हो रहा, कंसोनेंट से हो रहा है, तो फिर ए आएगा, ठीक है, छोटी सी बात है। कहने का मतलब है कि जो एडजेक्टिव है दो तरह के होते हैं, क्वालिटी बताने वाले और डिटरमिनर, ये चीज़ों को फिक्स करते हैं, ये चीज़ों की विशेषता, रंग रूप, आकार दिखाते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमने चीज़ों को देखा प्रैक्टिकल में कि ये है, ये एडजेक्टिव इस तरह सेंटेंस में लगे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अब देखो ये भी दो तीन काम करेगा, लेकिन 90% जो काम करता है, 95% जो काम करता है, वो इसके अर्थ में ही आ रहा है। एडवर्ब यानी कि वर्ब होती है क्रिया, क्रिया में कुछ ऐड करे, क्रिया के बारे में कुछ ऐड करे, कुछ बताए, ज़्यादा बताए, क्रिया विशेषण। और ज़्यादातर पता है क्रिया के बारे में, क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, लाभ क्रिया से पूछना है सवालों को, जो वर्ड जवाब दें वो एडवर्ब है, और 95% यही फंक्शन करता है। लेकिन इसके अलावा ये क्रिया की विशेषता तो बताता ही है। अब देखो जो हमारे एडजेक्टिव वो नाउन की विशेषता बताते हैं कि भाई नाउन छोटा है, बड़ा है, कैसा है, एक है, दो है, चार है, कुछ है, ज़्यादा है, वो डिटरमिनर हो गए, और अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, क्वालिटी बता रहे। जो एडवर्ब है ये क्रिया के बारे में बताते हैं, इनका संबंध क्रिया से है, क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कितनी बार हुई, ज़्यादातर 95%। इसके अलावा ये विशेषण जो एडजेक्टिव होते हैं उनको भी मॉडिफाई कर देते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं कभी कभार, या फिर खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं कि एडवर्ब कैसा है बस, लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत कम है। तो ये तीन तरह से यूज होते हैं। पहला, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया। अब देखो मैं गया, कब गया, दिल्ली, उस मैं कब गया, कल, तो इसने क्या क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया कब हुई। और ये जो दिल्ली है ना, टू दिल्ली, ये क्या स्थान है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फेमस आपके लिए ये है, तो मैंने इस पर अंडरलाइन किया, वैसे आप इस पर भी कर सकते हो, क्योंकि प्लेस है, प्लेस टाइम बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। राहुल इज वॉकिंग स्लोली, राहुल धीरे धीरे चल रहा है, तो राहुल कैसे चल रहा है। अब देखो मैं गया, कहाँ गया, दिल्ली, कब गया, कल, राहुल चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। मैंने कहा था 95% ही क्रिया की विशेषता बताते हैं। सी सेल्डम गोज टू द मार्केट, वह कभी कभार ही बाजार जाती है। कोई काम, कोई अक्सर कितना होता है, मैं रोजाना खेलता हूँ, मैं कभी कभार खेलता हूँ, मैं अक्सर खेलता हूँ, मैं ऑफन, है ना, तो ये वर्ड क्या है, ये भी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जो क्रिया की फ्रिक्वेंसी को बता रहा है। तो सेल्डम क्या है, कभी कभार, एडवर्ब है, ठीक है, क्रिया की विशेषता। अब देखते हैं कि ये एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताते हैं। तो देखो राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, राहुल बहुत होशियार है। एक तो देखो राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल होशियार है, राहुल की विशेषता क्या है कि वो होशियार है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताई। लेकिन होशियार कितना है, वेरी बहुत, बहुत होशियार है। तो इस वेरी ने इस इंटेलिजेंट जो कि क्या है, अपने नेचर से एक एडजेक्टिव है, इसको भी मॉडिफाई किया, इसके बारे में कुछ और बताया कि बहुत होशियार है, तो ये एडजेक्टिव की विशेषता इस वेरी ने बताई, ठीक है। राहुल इज स्पीकिंग वेरी स्लोली, राहुल बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, ठीक है। अब देखो राहुल कैसे बोल रहा है, स्लोली, ये तो एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन बहुत धीरे, ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब से पहले एक वर्ड और आया और उस एडवर्ब के बारे में कुछ बताया, तो वेरी क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ, ठीक है,
जिसने इस एडवर्ब को ही मॉडिफाई किया। तो ये आपके एडवर्ब हैं जो कि भरे पड़े हैं सेंटेंस में, ठीक है, क्योंकि टाइम और प्लेस, ठीक है, मैनर, तरीका, वर्ब कैसे हुई, कितनी बार हुई, ये वर्ड बहुत होते हैं सेंटेंस में। तो मैं कहता हूँ कि एडवर्ब सेंटेंस में बहुत सारे होते हैं, लेकिन डरना नहीं है, टाइम वाले, प्लेस वाले वर्ड ज़्यादातर एडवर्ब होते हैं। और अगले हमारे कंजक्शंस, यानी जोड़ने वाले, यानी ऐसे वर्ड जो चीज़ों को कनेक्ट करें। अब किन किन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं ये तो मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन अगर आप कंजक्शंस को क्लिक करोगे ना तो बहुत बड़ा सा टॉपिक है, क्योंकि बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है ना, कोऑर्डिनेट, जैसे एंड, वो मैन फैन बॉयज हैं, जैसे एंड है, बट है, फोर है, सो है। इसके अलावा करलेटिव कंजक्शंस होते हैं जो समूह जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। इसके अलावा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो फंक्शन, ये तीन तरह से यूज होते हैं। ये टू वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, ये ना फ्रेजेस को जोड़ना, और ये क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो देखो, आई बॉट अ बुक एंड ए पेन, मैंने एक बुक और एक पेन खरीदा। तो यहाँ पे बुक क्या है, एक वर्ड है, पेन क्या है, एक वर्ड है, तो दो वर्ड को जोड़ा एंड ने, ठीक है। गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी जागना, एक फ्रेज है। एंड गोइंग फॉर ए वॉक, और घूमने जाना, फिर एक फ्रेज है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इज माई ओल्ड हैबिट, मेरी पुरानी आदत है। तो यहाँ पे टू फ्रेजेस को कनेक्ट किया, ठीक है। जैसे मैं कहूँ राम एंड श्याम, राम, पता मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में पहले वाले में गड़बड़ होगी, ये भी फ्रेज ही होगा, ए बुक एक फ्रेज है, क्योंकि एक वर्ड तो वर्ड होता है, लेकिन ए बुक एक फ्रेज ही हो गया। राम एंड श्याम, यहाँ पे टू वर्ड है, तो राम और श्याम आर माई फ्रेंड, तो इसने दो वर्ड को कनेक्ट किया, ये भी फ्रेज है और ये भी फ्रेज है, ये टू वर्ड्स हैं, ठीक है। अगला देखो, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, बट माई ब्रदर लाइक्स आएगा फुटबॉल, तो मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मेरा भाई फुटबॉल पसंद करता है। तो देखो यहाँ पर तो पूरा सेंटेंस नहीं, ए बुक, ए पेन, राम एंड श्याम, गेटिंग अप अर्ली एक फ्रेज है, और फ्रेज कभी सेंटेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर टू क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी दो सेंटेंस को क्लॉज कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक मैन क्लॉज है, ये भी एक मैन क्लॉज है, जो सेंटेंस बना एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसमें दोनों ही मैन क्लॉज है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने बताया मेनली फैन बॉयज हैं, कुल 6-7 ही हैं, इस पर बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो यहाँ पर जो बट एक कंजक्शन है, इसने किसको जोड़ा, क्लॉजेज को जोड़ा, इन मैन क्लॉज को, ठीक है। तो राम फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, तो राम फेल हो गया क्योंकि वह नहीं पढ़ा, एक मैन क्लॉज, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, और बिकॉज से शुरू हुआ, तो एक सब, ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन हो गया, पूरा एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, इसमें सिर्फ ये कंजक्शन है बिकॉज। तो ये बहुत सारे हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम एक मैन क्लॉज को किसी सबॉर्डिनेट क्लॉज से कनेक्ट करना, किसी सबॉर्डिनेट क्लॉज से पहले जो कंजक्शन आए सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। और सबॉर्डिनेट कंजक्शन बहुत सारे हैं, जैसे बिकॉज है, द्यो आल द्यो है, जैसे लेस्ट, ऐसा ना हो कि, जैसे इवन इफ, चाहे भले ही, इन ऑर्डर दैट, वेयर, जहाँ, व्हेन, जब, व्हाई, जिसलिए, हाउ, जैसे, ये बहुत लंबी लिस्ट है, मेरे कोई वीडियो उठा के देख लेना, मिल जाएंगे, क्लॉज वाली वीडियो देखना। तो जो कंजक्शंस है ना, बहुत कमाल की चीज़ है, ये चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। ये काम तो नॉर्मल सा है कि राम एंड श्याम है ना, आई एंड यू इस तरह से, या फिर बुक और पेन, लेकिन इनका मैन जो कमाल होता है वो यहाँ दिखता है, और पेयर वाले भी, नॉट ओनली आई बट आल्सो यू आर ए टीचर, ना केवल मैं बल्कि तुम भी, तो नॉट ओनली बट आल्सो पेयर में हो गया, आइदर और, नाइदर नोर, ठीक है, आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई बुक, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने। तो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपने इनको यूज देख लिया, फंक्शन देख लिया कि कैसे देखते हैं। अगला है प्रीपोजिशंस, पहले स्थित, यानी ऐसे वर्ड जो किसी नाउन से पहले स्थित होके उसके बारे में क्या बताएं, उसकी लोकेशन बताएं, डायरेक्शन बताएं, या फिर टाइम बताएं। जैसे ये तीन काम करते हैं, हरी इज इन द रूम, हरी कमरे में है, तो हरी की लोकेशन कहाँ है, इन द रूम, कमरे के अंदर है, ठीक है। हरी इज ऑन द रूफ, हरी छत के ऊपर है, ठीक है। हरी इज इन साइड द रूम, हरी इज, मतलब ऐसे लोकेशन को बताते हैं, चीज़ें कहाँ स्थित है। दिस रोड गोज, ये रोड जाती है अलोंग द रिवर, नदी के किनारे किनारे, नदी के बगल बगल, अलोंग है ना, अक्रॉस, नदी के पार, इस तरह से, बिहाइंड द रिवर, नदी के पीछे, तो डायरेक्शन बताना चाहिए किस डायरेक्शन में है। आई गो टू कॉलेज एट 9 AM, मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाता हूँ, तो समय से पहले आया, एट बजे के अर्थ में। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो टाइम के लिए हम प्रपोजिशंस का यूज करते हैं, बहुत सारे प्रपोजिशन टाइम के लिए ही है,
सिंस है, फोर है, ठीक है, एट है, बाई है, ये टाइम को शो करते हैं। अरे प्रपोजिशन तो बहुत गजब की चीज़ है, ठीक है, छोटी चीज़ लेकिन बहुत काम की चीज़, क्योंकि ये चीज़ों को फिक्स करते हैं, ये चीज़ों में तालमेल बैठाते हैं, इनको मत लगाओ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे देखो इनको हटा दो आप, ये प्रपोजिशन मत लगाओ, छोटी चीज़ है, इस पर ध्यान मत दो। तो हरी इज द रूम, हरी कमरा है, हरी कमरा है क्या, अरे हरी कमरे के अंदर है, ठीक है, इस तरह से। तो प्रपोजिशन बहुत लंबे हैं, ये फिक्स भी होते हैं, बहुत बहुत सारे हैं पढ़ना, लेकिन सेंटेंस में ये देख लिया आपने। और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बोलते हैं विस्मय बोधक शब्द। अब इनका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता, लेकिन जब हम खुशी, दुख, आश्चर्य, पीड़ा, वेदना प्रकट करें, दया प्रकट करें, तो इनका यूज होता है। जैसे देखो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए, तो इसमें जॉय है, खुशी है, तो हुर्रा वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन, मैंने अंडरलाइन नहीं किया। अलास आई हैव फेल्ड, अफसोस की बात है, दुख की बात है, फेल हो गया। तो देखो अलास का मतलब अफसोस नहीं है, ये तो अंग्रेजों के शब्द है जो खुशी दुख और खुशी दुख या आश्चर्य के समय हमारे मुंह से निकल ही पड़ते हैं, तो सोरो दिखाने वाला वर्ड है अलास। वाउ इट्स अमेजिंग, वाउ इट्स अमेजिंग, वंडर आश्चर्य को दिखाया, वाउ है ना, तो ये क्या है, इंटरजेक्शन है। इसका मतलब देखो टस्ट है ना, डिसअप्रूवल, असहमति, यू आर अब्यूजिंग, तू गाली दे रहा था, तुम गाली दे रहे थे, तो क्या है, डिसअप्रूवल, असहमति दिखाना। अब ये क्या है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, हम इसे नहीं समझ सकते, तो ये क्या है, इरिटेशन, थोड़ा चिड़चिड़ाहट है, समझ में नहीं आ रहा ये, तो ये सभी क्या है, ये इंटरजेक्शन है। इनका बहुत कम रोल होता है, ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है, ये कभी कभार सेंटेंस में देखने को मिलते हैं जब इस तरह से कोई विशेष इमोशन प्रकट करे। बाकी और सब बहुत सारी काम की चीज़ थी, मैं समझता हूँ कि शायद मैं वीडियो को एक अलग फ्लेवर में लेकर आया, मतलब थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा काम किया, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट पैदा किया। एक बार देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, इंग्लिश की बात है, इंग्लिश ग्रामर की बात है, किसी मैथ की बात है, आपके ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए। और मैं हमेशा इसी चीज़ पर काम करता हूँ कि यार बंदे के ऊपर इंटरेस्ट तो आए, मज़ा तो आए, थोड़ा ऐसा तो लगे हाँ कुछ तो समझ में आया। एक नाउन को आप भारी भरकम डेफिनेशन शुरू करो, फिर उसके पाँच पार्ट दिखा दो, बस बच्चा घूम जाएगा। फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, मतलब बहुत लंबा, उसको बस ऐसे वो बेचैन हो जाएगा। उसको ऐसे दिखाओ कि तू नाउन पढ़ लेगा ना तो सेंटेंस में ये क्या काम करेगा, नाउन प्रोनाउन क्या काम करेगा, कैसा कैसा दिखेगा। और मैं इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ, ठीक है। जाने से पहले एक बार फिर बता दूँ, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में चाहिए, यूट्यूब पर भी हैं, लेकिन यूट्यूब पर बहुत कम, मतलब उतना डिटेल तो नहीं है, खैर झूठ के बोलूँ, और बिखरा पड़ा है कोई चीज़ कहाँ कोई चीज़ कहाँ। आपको सब सिक्वेंस में ये क्या पूरी ग्रामर ही चाहिए, क्लॉज भी चाहिए, फ्रेज भी चाहिए, फ्रेज भी चाहिए, सेंटेंस भी चाहिए, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कम सब डिटेल में चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में चाहिए, सिंथेटिक्स डिटेल में चाहिए, तो फिर आप हमारा वो कोर्स ले सकते हो जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, महेश गुरुजी एप्लीकेशन में, ठीक है। थोड़ा पेमेंट है, थोड़ा पे तो करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, लेकिन फिर भी मैं फोर्स नहीं कर रहा, ना चाहो तो मत लेना, ठीक है। तो बस ये था वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।